जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, होते हैं कितने ही हादसे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। है मसरत की बरसात और गम कभी, जश्न खुशियों के हैं और मातम कभी। सुख का मौसम सुख का मौसम कभी, दुख का मौसम कभी, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार बेशुमार। ये लीजिए, आपका लंच बॉक्स तैयार है। अच्छा साइमा, आज मुझे दफ्तर से लौटने में देरी हो जाएगी। तो इसमें कौन सी नई बात है रोजी की तरह? यह तो एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें बाद में शिकायत का मौका ना मिले। और अगर शिकायत करती भी हूँ तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल जो देते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें इस बात से दुख पहुँचता है तो अगली बार से इस कान से सुनूंगा और इस कान से निकाल दूंगा। आपके बारे में चाहे मैं जो राय रखूं, आप बदलने वाले तो है नहीं। अब यूं ही बातें करते रहेंगे, ऑफिस भी जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे देरी हो रही है। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा। रोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जुंजो की बोल आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? कहाँ जाएंगे आप? जहाँ मर्जी ले जाए। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, कोई अच्छा हम सफ़र मिल जाए तो मैं तो अपनी मंजिल भी बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी ये पहली बारी बातें समझ नहीं रहा, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने तो बिल्कुल साफ बोला है, आप जहाँ मर्जी ले जाए। मैं तो अपनी ऑफिस जा रहा हूँ। तो मैं भी आपके साथ ऑफिस चलने के लिए तैयार हूँ, इस बहाने में आपको ऑफिस भी देख लूँगी। नहीं नहीं, मैं आपको अपने ऑफिस नहीं लेके जा सकता। तो ठीक है, आप मुझे नेहरू सर्कल ही ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, आइए। तो क्या कह रही थी आप? लीजिए, आपका नेहरू सर्कल आ गया। जी शुक्रिया। वैसे इस इतवार क्या कर रहे हैं आप? इतवार को? जी कुछ नहीं। तो ठीक है, इस इतवार को इसी जगह ठीक 11 बजे मिलते हैं हम। बाय। अरे हाँ, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई। आपका नाम? जी नावेद। क्या हसीन इत्तफाक है, आपका नाम नावेद और मेरा नादिरा। तो ठीक 11 बजे इसी जगह। बाय। नादिरा ने 11 बजे का टाइम दिया था, 11:30 बजने को हो गए और कहीं दिखाई नहीं दे रही। आई एम सॉरी, देर से आई हूँ, पर इसका मतलब मेरी लापरवाही नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है। मैं समझता हूँ। आइए बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं।
बैठिए बैठिए। चलिए इन बातों को जाने देते हैं, खुलकर बात करते हैं। अब ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? नावेद जी, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप खुद भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, तो फिर हम खुलकर बात करते हैं। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन नादिरा, इतना जान लेना जरूरी नहीं है। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ और मेरी एक बेटी भी है। तो क्या हुआ, मैं भी शादीशुदा हूँ। क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, बस फर्क इतना है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम्हें अपने शोहर से बेवफाई करते हुए शर्म नहीं आती? ऐसे मर्द से कैसी वफादारी जो औरत को खिलौना समझता हो और 10 औरतों के साथ रंगरलियां मनाता हो। आपको देखा तो मुझे लगा वो प्यार मुझे आपसे ही मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। पर एक शादीशुदा मर्द तुम्हें प्यार कैसे दे सकता है? मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी बीवी को छोड़ दें, लेकिन थोड़ा प्यार आप मेरी झोली में भी डाल दें। नादिरा, कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिन्हें बांटा नहीं जा सकता। मैं अपने पति की हरकतों से इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि मैं खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगी थी। मेरे गम का इलाज सिर्फ मौत है, मौत। नावेद, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं नादिरा, ठहरो, मुझे कुछ देर सोचने की मोहलत दो। बैठो और सुना, कैसी है तू? मैं फाइन, तू अपने बता। बस मजे में कट रही है। 3-4 दिन से तेरी याद आ रही थी, सोचा आके मिल ही लूं। अच्छा किया जो तू आ गई, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। झूठी, अब तू मुंह देके बात बना रही है। ठीक है, नहीं मानती तो मत मान। पति देव कहाँ रहते हैं तेरे, दिखाई नहीं देते? उन्हें ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम रहता है, इसलिए अक्सर देर से ही आते हैं। देख सीमा, पति अगर अक्सर देर से घर आए ये अच्छी बात नहीं है। दाल में कुछ काला हो सकता है। ये तेरी शक करने की आदत कब जाएगी, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। चलो मैं मानती हूँ कि मेरी शक करने की आदत है, लेकिन मर्दों के पास औरतों को धोखा देने का सबसे मजबूत बहाना होता है काम, और इस बहाने को जांचते रहना चाहिए। अब मैं तेरी तरह जासूस तो हूँ नहीं जो जांच करती फिरो। तू मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं तो समझती हूँ पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए, तभी तो जिंदगी सुख चैन से कटती है। ना विश्वास करना अच्छी बात नहीं होती, नहीं तो जिंदगी को ऐसी ठोकर लगती है कि पूरी जिंदगी चूर होकर बिखर जाती है। अरे तू तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। अब अपनी फिलॉसफी बनकर और किचन में चल, तेरी मनपसंद डिश बनाते हैं। हेलो नादिरा, तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो नावेद, इस वक्त मैं तुम्हारे से ज्यादा बात नहीं कर सकती, इसलिए कल मुझे 2 बजे गोल्डन पार्क में मिलो, सारी बातें वहीं होंगी। मेरी बात तो नादिरा, क्या हुआ? हम चुप चुप कर मिलते हैं नावेद, इस बात का पता मेरे पति को चल चुका है। ये कैसे हुआ? ऐसी बातें छुपती नहीं है, और उसने मुझे घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है, और तो और उसने तुम्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। क्या बोला? हाँ। मुझे जान से मारेगा? उसके बाप का राज है क्या? ये हमारी आखिरी मुलाकात है नावेद। तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। क्या तुम्हें लगता है कि अब हम एक दूसरे के बिना जी सकते हैं?
लेकिन नावेद, इस शहर में हमारा रहना मुमकिन नहीं है। हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ मेरा जालिम पति हमें ढूंढ ना सके। क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। दो दिन से देख रही हूँ आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या मैं वजह जान सकती हूँ? सैमा, कभी कभार जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि अपनी दो प्यारी चीजों में से एक को चुनना पड़े तो फैसला लेना मुश्किल हो जाता है कि आदमी किसे अपनाए और किसे छोड़े। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताइए। मुझे अपनी जिंदगी का एक बहुत सुनहरी मौका मिल रहा है, पर मुझे उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन कैसा मौका और कैसी कुर्बानी, बताइए तो सही। मुझे एक कंपनी की तरफ से अमेरिका में नौकरी की ऑफर मिली है, पर मजबूरी यह है कि मैं तुम्हें और खुशबू को साथ नहीं ले जा पाऊंगा, और मुझे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। समझी, मतलब मुझसे और खुशबू से जुदा होने का गम आपको सता रहा है। मैं मानती हूँ आपसे अलग होकर हम भी खुश नहीं रह सकते, लेकिन ये पाँच साल कब गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सायमा, तुम नहीं जानती, तुम्हारे इस जवाब ने मुझे बहुत बड़ा फैसला लेने में मदद की है। मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अरे कोई है यहां पर? लगता है कोई नहीं है यहां पर, वहां देखता हूं। बाहर निकलो, जो भी हो अंदर से बाहर निकलो। शौहर कहां है आपका? आप कौन है और इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं पड़ोसी हूं आपका, सामने वाले घर में यहां पर रहता हूं। शौहर कहां है आपका? मेरे शौहर तो सुबह 4 बजे ही ऑफिस के काम से निकल चुके हैं। अरे वो कहीं काम वाम से नहीं गया है? तो फिर? वो मेरी बीवी को भगा के ले गया है। ठीक है, कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन नहीं आता तो चौकीदार से पूछ लो, उसने अपनी आंखों से सुबह 4 बजे उन दोनों को जाते हुए देखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे शौहर ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने शौहर को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे मैं भी अपनी बीवी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बड़ी बेवफा है वो, समझी, कुछ भी कर सकती है, उसे इस काम को करने में जरा भी शर्म नहीं आएगी। अरे वो जाए तो भाड़ में जाए, तुम्हारा शौहर जाए तो भाड़ में जाए। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि कम वक्त जाते जाते मेरा 2.5 लाख कैश और 4-5 लाख रुपए के जेवर भी ले गई है। एक मिनट, अरे फोन आ रहा है, घबराओ मत, तुम्हारे पति का नहीं है, साइमा का है। कर लो उस बेचारी से भी आखिरी बार बात, फिर मेरी तरह सिम कार्ड तोड़ के फेंक देना। कर ही लेता हूँ बात। हाँ साइमा बोलो, क्या बात है? ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप एक औरत को लेकर भागे हो? भागा नहीं हूँ, उसके साथ जा रहा हूँ। तो इस तरह चोरों की तरह मुंह छुपा कर क्यों जा रहे हो? मुझे फोन दो, लाओ। तुम्हारा पति बोल रहा है बीच में। देख बे, मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। सीधी तरह से चुपचाप मेरा पैसा और मेरा जेवर मुझको लौटा दे, वरना बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। मगर नादिरा कह रही है कि वो तुमने उसे दहेज में दिया है। तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तुझको ढूंढ निकालूंगा, मुझसे छुप नहीं पाएगा तू। ऐसी तो तू क्या मुझे तुम इस फोन के जरिए ढूंढ निकालेगा? तो सुन और साइमा को भी बता देना कि जिस तरह से मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है
मैं ये सिम कार्ड भी निकाल कर फेंक रहा हूँ, फिर ढूंढते रहना। हेलो हेलो, फोन काट दिया, फोन काट दिया उसने। मैंने तुझे पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन लेकिन तूने मेरी बात को मजाक में टाल दिया। तब तक मेरे भरोसे को इतनी ठेस नहीं पहुंची थी, इसलिए मैंने तेरी बात नहीं मानी। मैं मानती हूँ मर्दों की फितरत ही ऐसी होती है, औरतों को खिलौना समझते हैं और अपनी नियत बदलते रहते हैं। शायद तू ठीक कहती है, 3 महीने हो गए और नावेद का कोई अता पता नहीं। करना भी क्या है उसे पता लगा कर, क्या करेगी तू उसे पता लगा कर? अब तू भी उसे भूल जा। अब मुझे ये घर खाली करना पड़ेगा, नावेद ये घर बेच कर गए हैं। ओह माय गॉड। और खुशबू के कॉन्वेंट से भी उसके प्रिंसिपल का फोन आया था, उसके 2 महीने की फीस बाकी है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अब तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर कैसे, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। मेरी नजर में एक नौकरी है तेरे लिए। सच? हाँ सच, यही पास में एक रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्हें अपनी बीवी की देखभाल के लिए एक ऐसी औरत चाहिए जो 24 घंटे उनके पास रहकर उसकी देखभाल कर सके। क्या तुम ये करोगी? साइमा, साइमा। आई मैडम। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रुको जी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी कहिए। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इतनी खिदमत की, इसका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँगी? इसमें शुक्रिया की क्या बात है मैडम, ये तो मेरी ड्यूटी थी। तुमने ये खिदमत ड्यूटी समझ कर नहीं की, इस खिदमत के पीछे मोहब्बत थी, हमदर्दी थी, लगाव था, जो अपनों के साथ होता है। वो तो होना ही था मैडम, आपने मुझे अपना जो समझा। इसी अपनेपन की खातिर मैं तुमसे कुछ 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 कहना चाहती हूँ। कहिए। साइमा, मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। ऐसा मत कहिए मैडम, अल्लाह करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। प्लीज मुझे अपनी पूरी बात कहने दो। हमारे जाने के बाद काजी साहब अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। समझ लो कि टूट जाएंगे। मेरी बात तुम उन्हें सहारा देना, तुम उनकी बिखरी हुई जिंदगी को संवारना। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं तुमसे कोई वादा नहीं ले रही, तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुम दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, तुम मेरी बात पर गौर करना। तुम दोनों अगर एक दूसरे के हो जाओगे तो मेरी रूह को बहुत सुकून मिलेगा।
मैं ये खत जेल से लिख रहा हूँ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो धोखा किया वो गुनाह माफ करने के लायक नहीं है। याद है एक बार तुमने कहा था, हम सभी उलझी हुई डोर की तरह हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें सुलझा दे। अब ये दूसरे की धीरज पर है कि वो हमें कितना संभाल कर सुलझाता है, तो गांठें खुलने की बजाय और बढ़ जाती हैं। इस वक्त मेरी उलझी हुई गुत्थी तुम्हारे हाथ में है। मेरे पास ना तो जमानत के पैसे हैं और ना ही कोई मदद करने वाला है। बस मेरी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ तुम ही हो। मेरी जमानत करवा दो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें हमारी बच्ची खुशबू की कसम है। से तवक्को रखते हैं कि हम आपके खामिद की जमानत करवा दें, हैं? जी हाँ। और ये काम आप ही करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये काम हो जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। क्या आप आज भी अपने शौहर से उतनी ही मोहब्बत करती हैं? जिस आदमी को मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता, उससे भला कैसी मोहब्बत? मैं ये काम इसलिए नहीं कर रही कि मुझे नावेद से प्यार या हमदर्दी है, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसने मुझसे भीख मांगी है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची खुशबू के नाम पे भीख मांगी है, इसलिए मैं उसे ना नहीं कर सकती। वालेकुम सलाम मिर्जा साहब। भाई क्या बताऊँ, आप तो समझ सकते हैं, बेगम साहिबा के इंतकाल के बाद ज़िंदगी कितनी मायूस और तन्हा हो गई। खैर, ये मेरा वादा है कि जब भी मौका मिलेगा मैं फरीदाबाद आपके पास ज़रूर हाजिर होऊंगा। जी जी, खुदा हाफिज़ भाई। अच्छा काजी साहब, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त? कैसी इजाज़त? जिनकी खिदमत करने मैं यहाँ आई थी, जब वो ही नहीं रही तो मेरा यहाँ रुकना बेकार है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं समझ सकता हूँ आप बहैसियत एक केयर टेकर के इस घर में आए थे, लेकिन आप तो वक्त इस घर के एक अहम फर्द बन चुके हैं। अब तो आपको इसी घर में रहना चाहिए। मैं आपकी जज्बातों की कदर करती हूँ काजी साहब, मगर आपके ये पाक जज्बात उनको दुनिया गलत नाम देगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जब एक पराया मर्द और एक पराई औरत एक ही छत के नीचे रहने लगे तो दुनिया इस रिश्ते को किस नजर से देखेगी। आप वजह फरमाती हैं। ये दुनिया हर रिश्ते को कोई ना कोई नाम देना चाहती है, और अगर किसी रिश्ते का कोई नाम ना हो तो उसे गलत नाम भी दे दिया जाता है। इसीलिए काजी साहब मेरा यहाँ से जाना ही मुनासिब होगा। देखिए, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं आपको और आपकी दुख्तर को अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। काजी साहब, इसके बारे में मैं आपको सोच समझ के जवाब दूंगी। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
साइमा, मैं कब से तुम्हें मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा था। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। देखो मैंने तुम्हें अभी तक डाइवोर्स नहीं दिया, और जब तक डाइवोर्स नहीं दिया तुम कानूनन तौर पर मेरी बीवी हो। एक तमाशा याद दिलाने के लिए। कैसा तमाशा? वही तमाशा जो 5 साल पहले तुमने मेरे साथ किया था। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं अपनी बेटी खुशबू को लेकर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? उस जगह जहाँ तुम्हारा मनहूस साया हम दोनों पर ना पड़े। नहीं साइमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शट अप, अब सिर्फ मेरी बात सुनो। आखिरी बात, हम दोनों को ढूंढने की कोशिश भी मत करना। जिस तरह मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला है, अपने मोबाइल से ये सिम कार्ड निकाल कर फेंक रही हूँ। नहीं नहीं साइमा, तुम मुझे मेरी बच्ची से दूर नहीं कर सकती। हेलो साइमा, मेरी बात सुनो। फिर भी एक बात हर गिज़ ना ये भूलना, अश्क के साथ है कह कहे बेशुमार, अश्क के साथ है कह कहे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, बेशुमार 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 बेशुमार।